राजधानी पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में पूर्व मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की जयंती मनाई जा रही है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा भी मौजूद हैं। महागठबंधन के सभी दलों के नेता मौजूद हैं। पटना से बिहार प्लस की रिपोर्ट। अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, अगर आप यूट्यूब पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कार्यक्रम में क्योंकि आज मेरा ही कार्यक्रम था, आपको 11 बजे हम कह रहे थे हमको आना है, 16 से आप लोगों को जल्दी आने का काम हुआ, 1 बजे का समय था, तो आप लोगों ने इतना कोऑपरेट किया अपने भाई को, आप लोगों ने इतना सम्मान दिया, कहेंगे कि हम लोग सब लोग आपके लिए आभारी हैं और सब लोगों का आशीर्वाद और प्यार मिले, हमारा देश आगे बढ़े, हमारा बिहार आगे बढ़े, गरीब किसान मुख्य धारा में आए और सब लोगों के बीच प्यार और खुशी की बातचीत हो, अपना प्रदेश सबसे खुशहाल प्रदेश बने, ये हम अगर कामना करने का काम करते हैं। और कुछ दिन पहले हम लोगों को खबर मिली कि हमारे अभिभावक भोला बाबू जी का देहांत हो गया, उनको भी हम नमन करने का काम करते हैं और श्रद्धा के फूल फिर से बाबू जी के चरण में भोला जी पर श्रद्धा के सुमन को अर्पित करने का काम करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। बहुत महत्वपूर्ण कदम था, पूरे हिंदुस्तान में बिहार पहला प्रदेश था, वो एक जोरदार उत्तर दिया, जवाब दिया कि हम लोग स्वयं अपने आप जो सरकार उन्होंने चलाई है वही बुनियाद बनी उन सरकारों की जो पहला श्री बाबू की सरकार ने जब 1948-49 में उन्होंने जमींदारी